हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आया हूँ जो कि कैलोरी वाइज बहुत कम है और जो बहुत ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ मशरूम मसाला विदाउट एनी ऑयल। तो इसके लिए पहले हमें चाहिए 150 ग्राम मशरूम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मशरूम का कुछ हेल्थ टिप्स भी देते रहूँगा, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट कैलोरी वाइज। तो कैलोरी वाइज फ्रेंड्स, अगर 100 ग्राम मशरूम में हमें सिर्फ 33 कैलोरी ही मिलती है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ही कम कैलोरी फूड है। तो अगर आप अपना कैलोरी ट्रैक कर रहे हैं तो आप मशरूम को जरूर अपने डाइट पे इंक्लूड कीजिएगा। हमें मशरूम को बहुत ही बारीकी से स्लाइस कर लेना है। एक चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से हमने इसे स्लाइस कर लिया है। फिर हम लेंगे 8 काजू और 1.5 टीस्पून खसखस, ये पॉपी सीड भी कहते हैं। तो हमें पानी में आधे घंटे तक भिगो लेना है। आधे घंटे तक पानी में भिगोने के बाद फिर हमें इसे मिक्सी में एक फाइन पेस्ट कर लेना है। अगर हमें पानी में नहीं भिगोंगे तो इसका पेस्ट करने में बहुत ही हमें दिक्कत आएगी, इसलिए हमें इसे पानी में 1/2 घंटे तक सोक कर लेना है। फिर हम लेंगे 1 मीडियम अनियन, 1 मीडियम प्याज, इसे भी हमें थिनली स्लाइस कर लेना है। प्याज काटते वक्त आप अपनी उंगलियों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही थिन स्लाइस करना है। तो आप आराम से इसे स्लाइस कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है ताकि आपकी उंगलियों को कोई हार्म ना हो। फ्रेंड, इसमें हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हमें ये डिश बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। फिर हमें चाहिए इसमें 1 मीडियम टमाटर, इसे भी हम प्याज की तरह स्लाइस कर लेंगे, लेकिन उतना थिनली स्लाइस नहीं करना जितना हमने प्याज को किया था। टमाटर पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है प्याज की तरह, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा मोटा सा हम स्लाइस कर लेंगे। एक बार टमाटर काट लेंगे तो फिर उसे भी हम एक छोटे से बाउल में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर हमें चाहिए 1 ग्रीन चिली, इसे हम बीच से काट लेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ 1 हरी मिर्च का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में हम जाके लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी करेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पकाना पसंद है तो आप 1 की जगह 2 या 3 हरी मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। और लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि मशरूम बहुत ही डिलिकेट होता है, उसमें खुद का कुछ टेस्ट अपना ऐसा कुछ खास होता नहीं है, तो आप चीनी डालते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा ना डाल दें, क्योंकि वो फिर वही से ज़्यादा तीखा हो जाएगा। सेम है नमक भी, नमक डालते वक्त भी ध्यान दीजिएगा कि आप कम नमक डालें इन कम्पेयर टू अदर करीज। फिर हमें धनिया पत्ता को बहुत ही बारीकी से हमें काट लेना है, तभी हम चॉपिंग बोर्ड की यूज से बहुत ही बारीकी या फाइनली चॉप कर लेंगे। फिर हमें एक सॉटे पैन गरम कर लेना है, और गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा डालने के बाद हम उसे हल्की हाथों से हिलाते रहेंगे। हम इसे तब तक हिलाएंगे जब तक जीरा का पकने का स्मेल ना आ जाए। तो जब जीरा पकता है फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि बहुत ही अच्छा एक उसका अरोमा आता है। तो एक बार वो अरोमा आ जाए तब आप प्याज ऐड करेंगे। हमने पहले ही प्याज काट के हमने रख लिए थे, तो हम 1 कप प्याज जो हमने स्लाइस किया था वो हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फिर प्याज को पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ ऑयल का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो हमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होती है हमें प्याज पकाने के लिए। इस स्टेज में हम ऑयल के रिप्लेसमेंट में हम पानी डाल रहे हैं। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। तो सॉल्ट डालने से क्या होता है दोस्तों, कि ये प्याज जल्दी ही अपना मॉइस्चर जो होता है वो छोड़ देता है, और उसी मॉइस्चर से हम इसे प्याज को पकाएंगे, इसलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हम पानी का यूज़ कर रहे हैं और प्याज का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसी से हम प्याज को पका लेंगे। फिर
फिर हम इसे बंद करके अराउंड 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, या फिर तब तक जब तक ये हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। अब देख सकते हैं इसका रंग अच्छी तरह चेंज हो चुका है, ये थोड़ा ब्राउन हो चुका है, इसका मतलब प्याज भी थोड़ा पक चुका है। इस स्टेज पे फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टेस्टी चाहिए तो आप इस स्टेज पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर मैं डालूँगा 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो मैं यहाँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि इससे क्या होता है कि बहुत ही गाढ़ा रंग आ जाता है आपकी डिश पे। अगर आप नॉर्मल चिली पाउडर यूज़ करेंगे तो उसमें रंग थोड़ा फीका आएगा, क्योंकि हम बाद में जाके इसमें कैशू और पॉपी सीड का पेस्ट डालेंगे तो वो और भी रंग को कम कर देता है। तो आपको अगर बहुत ही गाढ़ा रंग पसंद है तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मशरूम की हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा था, तो मशरूम में एक और हेल्थ बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है, और कैल्शियम आपको मालूम है कि वो बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स, जिनको भी जॉइंट्स में पेन की शिकायत है, मैं उन्हें बिल्कुल अपने डाइट में मशरूम इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड करूँगा। हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर जो हमने पहले से काट के रखे थे, इसे थोड़ी देर हल्की हाथों से हिलाएंगे और फिर हम इसे ढक करके टमाटर को भी 3 से 4 मिनट पकाएंगे, या जब तक टमाटर पक ना जाए। तो तीसरा बेनिफिट मशरूम का दोस्तों ये है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाई जाती है। तो फाइबर उन लोगों के लिए बेनिफिट है जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो फाइबर उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और जो वेट लॉस ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए भी फाइबर बहुत यूज़फुल है। हम यहाँ पे आप थोड़ी पानी डालेंगे ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाए। अगर आपको मोटी ग्रेवी चाहिए तो आप कम पानी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने हरी मिर्च काट के रखी थी, हम इस स्टेज पे हरी मिर्च को डाल के अच्छी तरह से मसाला में मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें काजू और खसखस का पेस्ट जो हमने पहले पीस के रखा था वो डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे मशरूम। तो वो क्लिप दोस्तों मैं ऐड करना भूल गया, एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मशरूम डालने के बाद 7 से 8 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, हमारा मशरूम मसाला रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप इसमें मेरे कमेंट्स में भी आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं।